बिग बॉस 18 के लिए मुंबई आए हो, आप बिग बॉस 18 के लिए जा रहे हो। गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम लोखंडवाला मार्केट में। तूने कुछ खा लिया, ले ले चल। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहसस देव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो अभी जो है ना मुझे इस होटल से करना है चेकआउट और जैसे ही चेकआउट करना है मुझे नीचे मेरी कैब भी खड़ी है क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ मुंबई। मेरे को बताया इन्होंने कि अहमदाबाद और मुंबई यहाँ से ना 4-5 घंटे की दूरी पे ही है अगर आप बाय रोड जाते हो तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है डन करते हैं। तो मैंने सोचा मुंबई चलते हैं, अगर वहां जा रहे हैं थोड़ा सा घूम भी लूंगी इतने टाइम बाद कि चल निकली हूँ तो एक बार घूम के आती हूँ, लगेज भी लेकर के आई हुई हूँ थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत जो कम पड़ेगा वहां से खरीद लेंगे मुंबई से। बाकी वैसे भी मार्केट बहुत ज्यादा फेमस है लेकिन हम मुंबई में भी किसी से मिलने वाले हैं, किससे मिलने वाले हैं वो आपको इसी ब्लॉग में पता लग जाएगा। तो फिलहाल मैं जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ अपनी और फोन आ रहे हैं कि चेकआउट करो, चेकआउट तो मैं चेकआउट करती हूँ। तो गाइस फाइनली अभी मैं जल्दी से कर रही हूँ मेकअप क्योंकि भाई वो बैग मांग रहे हैं, कॉल पे कॉल कर रहे हैं, जल्दी वाला फटाफट वाला मेकअप कर रही हूँ क्योंकि मैं इसलिए कर रही हूँ मुंबई में अगर हम रस्ते में जा रहे हैं तो क्या पता कोई अच्छी अच्छी चीजें दिख जाए तो वीडियो वगैरह ले लेंगे। तो मेरा ना फेस बहुत लैशेस की वजह से वैसे भी आंखें बिल्कुल छुप गई है तो डार्क डार्क सा फील हो रहा है तो इसलिए मैंने हल्का हल्का टचअप कर लिया है, तब चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग नीचे आ गए हैं होटल से और हमारी कैब भी आ चुकी है मुंबई जाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं खाऊंगी वड़ा पाव बिकॉज आई जस्ट लव वड़ा पाव यार, मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है यहाँ का वड़ा पाव तो इसलिए मैं फिर से खाने आई हूँ। थर्ड टाइम खाने आई हूँ मैं यहाँ पर, तीसरी बार, और 4 वड़ा पाव खा चुकी हूँ अभी तक, एक बार ही मैं 2 भी खा लिए थे। जल्दी से लेते हैं वड़ा पाव फिर कैब में बैठते हैं और निकलते हैं, लाइट खा लूंगी ताकि ट्रैवलिंग में दिक्कत ना हो। मुंबई में तो वैसे भी बहुत ज्यादा वड़ा पाव मिलने ही वाला है लेकिन यहाँ का ज्यादा टेस्टी है। तो गाइस ये वड़ा पाव और कोल्ड कॉफी, मैंने यहाँ पे और भी चीजें ट्राई करी हैं बट ये तो मुझे सबसे ज्यादा टेस्टी लगा और यहाँ की एक फेमस डिश है लोचा, वो जरूर ट्राई करना। तो अभी निकल चुके हैं मुंबई के लिए, भैया कितनी देर का रास्ता है? 5 घंटे। 5 घंटे का रास्ता है और भैया ने ना बढ़िया बढ़िया गाने चला रखे हैं। सही, ये भैया आपकी प्ले लिस्ट हर दिन सुनते हो आप? यही सुनते हो? अरे वाह, मुंबई वालों आ रहे हैं हम। तो गाइस अभी अभी भैया ही बता रहे हैं मुझे कि ना मुंबई में तो बहुत बारिश है जब हम यहाँ पे, अभी तो बिल्कुल साफ मौसम लग रहा है लेकिन जैसे ही हम पार करेंगे ना थोड़ा सा मुंबई के और क्लोज जाएंगे तो पता लग जाएगा आपको बादल बहुत ज्यादा है और कभी भी वहाँ बारिश हो सकती है। लेकिन मैंने ना ये चीज खुद भी नोटिस करी जब मैं पहले भी मुंबई गई हूँ ना, वहाँ किसी भी टाइम बारिश हो जाती है और किसी भी टाइम नॉर्मल ठीक हो जाता है, कई बार सिर्फ 5 मिनट के लिए बारिश होकर ठीक हो जाती है, ऐसा भी मौसम मैंने वहाँ देखा है। तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने वेदर फोरकास्ट चेक किया है कि बीच बीच में हल्की हल्की बारिश है लेकिन इतनी हैवी रेनफॉल नहीं है, लेकिन भैया कह रहे बहुत है, पता नहीं एग्जैक्ट क्या है वो तो वहीं जाके पता लगेगा। अगर ज्यादा बारिश है तो ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, एक आधा दिन रुककर फिर निकल जाएंगे वापस दिल्ली के लिए, लेकिन अगर ज्यादा बारिश नहीं हुई तो मैं पक्का घूम के आऊंगी मुंबई। कुछ चीजें मैंने एक्सप्लोर करने के लिए अपनी लिस्ट में लिखी हुई है तो लेट्स सी कितनी एक्सप्लोर हो पाती है। गाइस इतना ज्यादा ट्रैफिक है ना, पहुंचना तो 3-4 घंटे में था लेकिन बारिश के चक्कर में इतना ट्रैफिक मिल रहा है कि हम लोग 12, 12:30, 1 बजे के आसपास निकले थे, 12:30 मान लेते हैं, 6 बज गई ऑलमोस्ट और अभी हम लोगों ने रुक के फाइनली वड़ा पाव के बाद मैकडी में रुके हैं और फ्राइज लिए हैं, बर्गर वगैरह लिया ताकि पेट भर ले थोड़ा बहुत और चलते 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 पहुंच जाए कैसे भी करके, बिकॉज लेट नाइट पहुंचेंगे ना तो फिर घूम भी नहीं पाऊंगी जहाँ घूमना था, जहाँ मन था घूमने का। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ मुंबई और मुंबई में ना पता नहीं बाई चांस हमारे कैब वाले भैया ने हमें एक ऐसी लोकेशन पे उतारा जहाँ से आसपास सब कुछ मिल जाए जो कि है अंधेरी ईस्ट। तो अभी जो है ना अंधेरी ईस्ट में हम लोग रुके, तो मैंने फिर फोन कर दिया जिस फ्रेंड से मुझे मिलना था, मैंने कहा तू आ जा लोकेशन पे डिनर करने चलते हैं कहीं पे, तो मैं देखो बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और मैं सच बताऊ ना मैं कपड़े भी लेके आई हूँ, तो कल सुबह जाके पहले मैं शॉपिंग करूंगी उसके बाद ही हम लोग कहीं घूमने घूमने जा पाएंगे मुंबई एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप लोग रेडी रहना मेरे साथ मुंबई एक्सप्लोर करवाने में और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मुंबई में सबसे अच्छी चीजें मुझे क्या देखनी चाहिए, क्या एक्सप्लोर करना चाहिए बीचेस के अलावा, बिकॉज बीचेस ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं इस टाइम पे बारिश की वजह से। तो लेट्स गो, अभी चलते हैं, कुछ कुछ फ्रेंड्स आ रही है, मिलते हैं उन सबसे मुंबई में। क्या कह रही है? ये देखो कौन आया। वो सब तो ठीक है, जो मेरे साथ आई है वो छोटी है ना 18 साल की, तो नीचे जाने नहीं दे रहे, उसको अलाउ नहीं करेंगे अब। तो यहाँ पर ना अंजलि दीदी भी आई है और लिटरली हम एक ही बार मिले थे ना श्रीलंका में, और देख लो मैंने एक बार में कॉल किया 1 सेकंड के अंदर रिस्पांस किया हाँ आ रही हूँ। बिल्कुल ऑब्वियसली दिल्ली में तो मैं आपको ऐसे ऐसी जगह घुमाऊंगी मजेदार पूरी रात। हाँ बस डन। तो गाइज यहाँ पर देख लो अभी हम लोग निकल गए हैं, हम यहाँ आए थे क्या ये ब्लैंको में आए थे और हम लोग अभी फोटो शूट करने के लिए, ये देखो सब तैयार हो रहे हैं छोटे छोटे मिरर्स में देख के। हाँ ये तो है ही, एक और आई है हमारे साथ, क्या मेरे पास i15 Pro Max क्यों
क्या तरीके यार ये ना, अभी अभी पता क्या कहती है, सुनो ये क्रिश्चियन डॉल की चप्पल क्या मिलती है, मेरे को दे दे, हाँ डन किसकी असली किसकी नकली पता नहीं लग रही थी, नहीं पता चल रहा था ना, तभी तो मैं भी अमीर पर्स भी बोल दूंगी। यार दूसरी बार मुंबई में बाहर निकली है, मतलब हद नहीं है, पहली बार दीपिका जी के साथ, दूसरी बार तेरे साथ। वाह जी वाह, कितनी सुशील कन्या है तू, मुंबई में छुके रह। मैं अपने पति के साथ ही जाऊंगी, चूड़ा पहन के, चूड़ा पहन के, बेस्ती मार दी। हाँ ये इसको देख लो कितनी चीटिंग है, इसके 12 बजे का बोल के 9 बजे आई और अब वापस जाने की बात भी कर रही है। देखो भागी, ये देखो भाग भी गई। हाँ एंगल अच्छे से लूंगी, मलाइका लेना बेस्ट एंगल। बाय 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 बाय, कल मिलेंगे, आरवी मैम कल मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय। सो गाइस फाइनली अभी उठ चुके हैं, नेक्स्ट डे है और अभी आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, तो मैं जल्दी से आपको रेडी होकर के मिलती हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ पूरी तरीके से, आज स्लीपर्स पहनी है मैंने क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे, लोखंड वाला शॉपिंग करने, बहुत फेमस मार्केट है मुंबई की, सबसे एक्सपेंसिव और फेमस मार्केट है। तो चलो ऑटो करते हैं, आज ऑटो राइड, मुंबई का ऑटो राइड बहुत फेमस है, तो ऑटो में चलेंगे। तो गाइस अभी जो है ना लोखंड वाला के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि यहाँ पे ना सेलिब्रिटीज का कपड़े वपड़े लेते हैं, तो मुझे जानना है कि उस मार्केट में ऐसा क्या है जो सेलिब्रिटीज सबको पसंद आते हैं कपड़े, और इनफैक्ट वहाँ पे बहुत बार ईशा मालविया और मनारा चोपड़ा से लेके हर कोई स्पॉट हुआ है, परिणीति चोपड़ा भी हुई है, तो लेट्स सी वहाँ जाकर के पता लगेगा कि ऐसा क्या है मार्केट में, और मैं तो खूब सारी शॉपिंग करने वाली हूँ, अगर मुझे चीजें पसंद में आई तो। गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम लोखंड वाला मार्केट में, और सच बता रही हूँ यार कपड़े देख देख के गूज़बम्स आ रहे हैं भाई, इतने सुंदर कलेक्शन, अब अंदर चल के ट्राई करता क्योंकि हम लोगों को फाइनली जहाँ मुंबई में जाना था मुझे, वो जगह मुझे मिल गई है, बुकिंग हो गई है मेरी, लोग कह रहे थे कि एक हफ्ता नहीं होती लेकिन मेरी एक दिन में हो गई, सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट। मैंने और अंजलि भी आ गई है हमारे साथ में, और ढूंढ लिया, मतलब मैंने फोन ना यहीं कहीं छुपा हुआ था मेरा फोन, और उन्होंने ढूंढ लिया कि अरे मैंने देख लिया तुम्हें सही किया आपने, टाइम से यहीं आ गया, अभी बहुत भूख लगे, कुछ खाने भी चलेंगे तभी ड्रेसेस ट्राई करने जा रही हूँ, पहले मैं ड्रेस सिलेक्ट कर लूँ, कल मैं जा रही हूँ फाइनली। तो गाइस अभी ड्रेसेस ट्राई कर रही हूँ, कुछ ड्रेसेस तो मुझे टाइट आ रही है, अब मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, लेकिन कई ड्रेसेस अच्छी आ रही है, देखो ये फिटिंग किसकी कितनी अच्छी आई है, यहाँ पे ना बहुत डिफरेंट स्टाइल की ड्रेसेस है, दिल्ली में भी होती है बट यहाँ पे बिल्कुल ही प्रॉपर साइजेस के अकॉर्डिंगली बनी हुई है, ऐसा लगता है यहाँ सारी लड़कियाँ पतली होती है क्या, तभी उन्हीं के अकॉर्डिंग बनी है सारी ड्रेसेस, हो जाएगा ना ट्राई तो करो, नहीं 500 रुपए के पीछे नहीं छोड़ूंगी, कर दो मैं यही धरने में बैठ जाऊंगी, ये सोच ले कि तूने कुछ खा लिया, ले ले चल। तो वही सच बता रही हूँ मैं कि ना यहाँ पे लोखंड वाला में मार्केट तो आ गई, लेकिन जितनी ऑलमोस्ट चीजें ना ऑलमोस्ट सब दिल्ली से बिल्कुल मिलता जुलता सामान है, और लेकिन रेट उससे भी डबल है ना, दिल्ली से डबल रेट है भाई यहाँ पे लोखंड वाला में, लेकिन अब आप लेके जाओगे कोई ऐसी जगह, चलो जहाँ पे सही सस्ती सुंदर टिकाऊ टिकाऊ ड्रेसेस मिल जाएंगी, तो चलो वहीं चलते हैं, ऑटो ऑटो चलो ऑटो में चले ऑटो राइड। तो गाइस अभी जो है ना हम लोगों ने ट्राई किया, क्या खाया, वड़ा पाव ना, वड़ा पाव खाया और क्या खाया, जलेबी फाफड़ा, मजेदार था, गुजराती डिश, हाँ मजा आया मेरे को तो खा के, चलो अब ऑटो पकड़ के कुछ और जगह खाने चलते हैं। चलो आज हम ट्राई कर रहे हैं सारी अलग अलग तरीके की वैरायटी, यस यहाँ ऑटो में मजा आ रहा है घूमने में, जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं। मैंने देख लो कितनी सारी शॉपिंग कर ली है, और देख लेना ये सारी मैं भी आपको रूम में जाके दिखाऊंगी क्या क्या लिया। सो गाइस आप लोगों के क्वेश्चंस, क्या आप बिग बॉस 18 के लिए मुंबई आए हो, आप बिग बॉस 18 के लिए जा रहे हो, बिग बॉस 18 के लिए इंटरव्यू के लिए मुंबई आए हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। सो गाइस मैं बिग बॉस 18 के लिए नहीं आई हूँ, मैं सूरत आई थी काम से, जो मैंने आप लोगों को बताया वो मेरा काम होते ही मैं निकल गई मुंबई के लिए, और उसके बाद जो है ना वो रैंडम प्लान था क्योंकि टैक्सी ड्राइवर ने बोला, हमने बोला अहमदाबाद की मुंबई, तो उन्होंने बोला यू कैन गो फॉर मुंबई, अगर आपको
एक्सप्लोर ही करना है, तो हमने सोचा कि ठीक है मुंबई चलते हैं। तो मुंबई आ गए हम लोग बहुत अचानक से, तो इसीलिए ये रैंडम प्लान बना। मैं बिग बॉस 18 का कोई इंटरव्यू या वैसे कुछ भी देने नहीं आई हूँ, बिकॉज एवरीवन इज सेइंग कि इस टाइम पे इंटरव्यूज चल रहा था आप उसी के लिए आए हो। नहीं आई हूँ मैं, इतने डीएम्स इतने मैसेजेस भाई साहब, ओ माय गॉड। बट ठीक है यार, थैंक यू सो मच, इतना आप प्यार दिखा रहे हो। और कल एक बहुत अमेजिंग जगह जाने वाले हैं, बहुत अमेजिंग, जिसकी बुकिंग बहुत मुश्किल से हुई है, मैंने व्लॉग में भी आपको बताया। तो बस स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो व्लॉग। बाय बाय।